चलो 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 आरुष अंशु को छोड़ दिया मैंने, ठीक है तुम लोग चले जाना। जाऊं मैं? आयुष पीरा नींबू पानी क्या तू? चलो गेट जा रहे हैं बच्चे अंदर। गाइस अंशुमन को मैं छोड़ आई हूँ, ये लोग रह गए हैं, इनको अभी छोड़ दूंगी और फिर मैं घर जाऊंगी। सारे बच्चे अब मैं जा रही हूँ घर, घर जाके आपसे बात करूंगी। तो गाइस हम लोग दोनों को छोड़ आए स्कूल, अब जा रहे हैं। आज इन्होंने छुट्टी करी है, मैं बताऊंगी। सर की बॉल रखी हुई है और उसकी बॉल वेट कर रही है आरुष का, कब खेलेगा मेरे साथ। ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। हाय करो हाय। ये देखो पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहा है। कलर कहाँ से निकाल लिया तूने? कलर मैंने छुपाए थे तेरे से? नहीं कलर दो यहाँ पड़े थे ना। अच्छा मैंने छुपा दिए कलर तेरे से, तू शैतानी करता है ना। ये खड़ा हुआ चुपचाप मेरे से डर के कच्छा लेके, क्योंकि नंगा घूमता रहता है तो इसने मेरे को देखते कच्छा उठा लिया हाथ में, और पहना नहीं है। कौन पहनेगा? कौन पहनेगा कच्छा? पहनो इसको। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो इसको देखो, ये भी बहुत अच्छा है, सेफ है। हेलो करो, सबको हेलो कर रहा है यशु। और हम लोग आ गए हैं आरुष अंशु को स्कूल छोड़ के, है ना? स्कूल गए ना? तो गाइज मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, कल मैं, आपने देखा होगा ब्लॉग में, कल मैं प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ऑफिस में बात करने गई थी एकेडमी के लिए आरुष अंशु के, लेकिन नहीं हो पाया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कर सकते हम, पढ़ाई को मैनेज नहीं कर सकते इसके स्पोर्ट्स के लिए, हम लोग नहीं छुट्टी दे सकते, टाइम भी नहीं दे सकते। तो प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया और मुझसे बोल रहे थे जैसे कि टूर्नामेंट है या कोई कैंप है 10-15 दिन के लिए, तो हम उसके लिए सोच के छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन इसके स्टेडियम के, इसके लिए एकेडमी के लिए नहीं कर सकते टाइम एडजस्ट। मैंने सिर्फ ये कहा था आधा एक घंटा एडजस्ट करना, बाकी एकेडमी वाले एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम स्कूल वाले नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब घर में बेचारे स्कूल जा रहे हैं, अभी आज भी एकेडमी है, नहीं जा पाएगा। लेकिन अंशु का हम देखेंगे, सैटरडे संडे मैनेज करेंगे, उसके सर ने भी बोला है। अब क्या कर सकते हैं, स्कूल में मना कर रहे हैं, मॉर्निंग का हो नहीं रहा स्कूल, इवनिंग का ही है। तो गाइज मैं आपको बता रही थी, इन्होंने भी आज छुट्टी करी है, और क्या कहते हैं, इन दोनों को छोड़ के आए हैं हम दोनों साथ में, क्योंकि आप लोगों को बताता मैंने, मेरा भाई एडमिट है, उसका ऑपरेशन है आज, तो वहाँ पे ब्लड देना है, तो इसलिए उनको छुट्टी करनी पड़ी है, ब्लड देने जाएंगे। तो आप लोग भी दुआ करिएगा सब ठीक ठाक हो, अच्छे से हो जाए ऑपरेशन उसका। लिप से बोलो, बोला लो गाइज मुखी। हाँ लाइक कर देना, मुंह से बोलो। बेचारा आरुष देखो अपनी प्रैक्टिस वहाँ कर रहा है, अंशु के पापा अंशु को प्रैक्टिस वहाँ करा रहे हैं। ये देखो क्योंकि स्कूल वाले ने तो मना कर दिया एकेडमी के लिए, वैसे ही प्रैक्टिस करेगा बेचारा। वो देखो, और हम लोग घूम रहे हैं खाना वाना खा के, जो कि काली आ रही हूँ, काली दिख रही होंगी मैं क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही है। हूँ नहीं मैं काली, गोरी हूँ मैं, अब लग रही हूँ ना गोरी। अब पूनम भी गोरी लग रही है क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही थी ना, अंधेरा अंधेरा होता। The next day. ऑपरेशन ठीक है, ये अब ठीक है, पिंकी आ रखी है, ये ऑपरेशन आज ही हुआ है, ठीक है। चलो सबकी दुआ काम आई है, थैंक यू सबको। अभी हम तरुण के लिए जूस लेने जा रहे हैं नीचे, ये है उसकी वाइफ भाभी मेरी, अभी हम जूस लेकर आएंगे और ठीक है, उसका ऑपरेशन हो चुका है। चलिए बने रहिए आप लोग, चाय पी रहे, वो फोन चला रहा है मरीज, ये भी लोटा भर के चाय पी रही है। अब ठीक है, अब ऑपरेशन हो गया ना, खुश है वो। मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब हम घर जाएंगे, फिर एकेडमी जाएंगे अंशुमन की। सब बैठे हुए हैं, चाय तो अब सीधा मैं घर जाके मिलूंगी आप लोगों से। ये मेरा फेस इतना शाइन क्यों हो रहा है? खुशी के मारे भाई, ठीक है अब, इसलिए सच में बहुत शाइन दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, बताना। ग्लो करो, मुझे अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार देख रही है तो ही बार देख रही हूँ, मेरी स्किन अच्छी हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और
अभी जाना है मुझे एकेडमी, अंशुमन की आज छुट्टी कराई है, उसको क्रिकेट क्लास छोड़ने जाना है। मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं हम लोग, ऑटो में बैठे हैं। लेट हो गए? हाँ लेट हो गए। तो अब वो ठीक है तरुण, उसका ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया है। खाना चलिए अभी अकेडमी जाएंगे तब मिलेंगे। हमेशा एनी टाइम मास्क ही लगा के रहती हूँ, सबको पता है मास्क बहुत, मैं ना जब कोविड प्रोटोकॉल को मास्क से पहचानेंगे सब, मास्क पॉपुलर कर दिए। मैं ना कोविड को अच्छे से फॉलो करती हूँ सारे रूल, हॉस्पिटल हो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, सब जगह ये मेरा मास्क ऐसे रहता है। आप सबको पता है ये राम कथा हुई थी, उसका भी ब्लॉग बना रखा है लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, भाई के चक्कर में बीमार है, सारे ब्लॉग लेट आ रहे हैं, उसके लिए सॉरी माफी चाहती हूँ, थोड़े थोड़े लेट हो जा रहे हैं, जब सब ठीक हो जाएगा फिर टाइम से टाइम डालूंगी। जा रही है मम्मी के घर और मैं जा रही हूँ अंशु को अकेडमी छोड़ने, हम बैठे नहीं है बिल्कुल भी, आती मैंने ठंडा पानी निकाला और हम जा रहे हैं अकेडमी पे। हाँ ये पी चुके क्योंकि हम लेट हो रहे हैं ना इसलिए। तो ये देखो अंशुमन को दिखाते हुए तैयार है बिल्कुल, ये देखो मेरे आने से पहले ये रेडी था, बस मैं आई हूँ और इसको लेके जा रही हूँ। ये अरब अरब हाई कर केला खा रहा है, चलो अंशु आज बहुत दिनों बाद जा रहा है अकेडमी है ना। अंशु तेज धूप हो रही है और अंशुमन चला गया उधर अपने, लेकिन मैं जा रही हूँ कोच से बात करने के लिए कि वो सिर्फ सैटरडे संडे आएगा और यहाँ पे बहुत गर्मी हुई है। इन लोगों का मैच चल रहा है, एक ही बोली दूसरी टीम तैयार हो रही है, ये फील्डिंग पे है, अंशुमन इनकी टीम में है। मैं जा रही हूँ अब घर क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है और मैं इतना नहीं बैठ पाऊंगी, थक भी गई हूँ, फिर मुझे वापस आना है, बहुत सारा काम है, तो अब मैं थोड़ा सा घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। पता है आरुष स्कूल गया, आरुष का बेचारे का एकेडमी ख़राब हो गया क्योंकि फुटबॉल सीखता था, उसका टाइम नहीं है और प्रिंसिपल टाइम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले, और उसका फिर हमें क्रिकेट हटाना फुटबॉल हटाना पड़ा क्योंकि उसकी अंशुमन का तो संडे भी है ना, क्रिकेट का तो वो कवर कर लेगा, उसका संडे नहीं होता तो वो स्कूल की छुट्टी भी नहीं करा सकते हम लोग। देखते हैं, चलते हैं अभी घर, मिलते हैं घर पे। तो आ गई हूँ अब मैं घर, अब जाऊंगी सीधा 5:45 बजे आरुष को लेने, जब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 5:05 बज रहे हैं, आधा 1.25 घंटे का टाइम है, तो जब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ टाइम, 5 बजने वाले, हाँ 5 बज चुके हैं, और रेस्ट करके फिर जाएंगे, फिर आरुष को लेके सीधा मैं अकेडमी जाऊंगी अंशु को लेके, उसकी 7 बजे होती है ना। चलिए बने रहिए, ये फुटबॉल के क्लास चल रही है, एक्सरसाइज इधर भी, यहाँ अंशु अरुष बैठा है मन कर रहा है स्कूल से आ गया है, स्कूल से लेके सीधा आई हूँ, मन कर रहा है अरुष जा चले जा बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज फुटबॉल के, अरुष वहाँ बैठ के देख रहा है, उसका मन उदास हो रहा है पर क्या कर सकते हैं, स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। और उधर अंशुमन की क्लास चल रही है अभी 7:30 बजे, 7 बजे छुट्टी होगी, अभी 6:30 बजे वहाँ सब बैठे हुए हैं, अभी अंशुमन आ रहा है और बस फिर अब जाएंगे घर। गाइज आप लोगों को पता है मैं दो तीन दिन वेट लेट डाल रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि लेट इसलिए डाल रही हूँ, आप सबको पता है कि भाई बीमार चल रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा एडिटिंग का, इनको इनके ऑफिस भी जाते हैं लेट हो जाते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है ब्लॉग, लेकिन कोई बात नहीं, लेट सही उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आपको मेरी अपडेट चाहे लेट सही अपडेट मैं देती रहूँगी, उसके लिए सॉरी जो लेट आ रहे हैं। तो पता नहीं अभी अंशुमन आ रहा था, बैग रख दिया खेलने लग गया, टाइम तो हो गया है, बस घर चलते हैं अभी। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं, बस ये अपना झंडा हिलाता रहता है, ये क्या हो रहा है, हाथ नीचे कर लो बस ऐसे ऐसे करता रहता है, इसके नाक में पसीना बहुत आता है। और हम लोग आ चुके हैं, बहुत देर हो गई थी, मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी, आप लोगों को पता है पूरा दिन थक गई थी और पानी भी नहीं आ रहा, अभी देखते हैं खाने का क्या करना है, खाना बनाएंगे या बाहर से लाएंगे देखेंगे अभी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बोलो
बोलो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक के लिए करो अब करो बाय 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 करो बाय बाय करो।